हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब ठीक होंगे। हाँ, तो यहाँ पे ये मेरी माँ है। अभी देखिए सुबह के 3 बजे हैं, तो माँ 2:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि घाट पे जाना है और ये सवेरे सवेरे जाया जाता है। तो अभी माँ सारा कुछ दौरा में कर ली है। दौरा में करके जो भी ठकुआ बदलना था, जो भी फल सब्जी कोनिया का बदलना था, जिसको सूप बोला जाता है, तो हम लोग के इधर उसको कोनिया बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से कोनिया ही निकलता है। और भोर का अर्घ और सांझ का अर्घ हम लोग इधर बोलते हैं, तो जो संध्या का अर्घ होता है और सुबह का होता है। तो अभी ये सुबह का अर्घ का है। तो यहाँ पर देखिए माँ सब कुछ दौरा में करके रख ली है और अभी हम लोग तैयार हो करके फिर जाएंगे घाट पे। ना तो अपन मोबाइल बजाओ ना, काटा लगा। की लाइन जे छे ने छे काटा ना ने वा यहाँ पे देखिए ये मेरी भतीजी है, ये भी तैयार हो गए सुबह सुबह घाट पे जाने के लिए। ये भी उठ गई थी और इसको देखिए कांटा वाला गाना पे इतना अभी जो आया है ना नेहा कक्कर का, कांटा वाला डांस, मतलब उइमा उइमा कांटा लगा उइमा उइमा वाला डांस गाना नहीं है, उस पर ये इतना अच्छा डांस करती है। जरा सा बस बजने का देर है और देखिए इसका डांस शुरू हो जाता है। और ये मतलब अभी तो खाट पे है तो मतलब थोड़ा डर है झुकने का, नहीं तो इतना अच्छा से स्टेप कर करके डांस करती है ना, बहुत अच्छा लगता है। अभी ये 2 साल की भी नहीं हुई है और देखिए कितना समझती है। और यहाँ पे देखिए हम तैयार हो चुके हैं घाट पे जाने के लिए। सुबह सुबह का टाइम है, हम तो ठंड लग रही है, तो अपना शॉल ओढ़ लिए हैं क्योंकि यहाँ पे ना ठंड पूर्णिया से यहाँ पे गाँव में ज़्यादा ठंड है। अगल बगल मतलब सब आदमी पहले अगल बगल हरियाली है, सब पेड़ पौधे है ना, इसलिए लगता है कि ज्यादा ठंड पड़ती है गांव में। खुला खुला है ना सब जगह। चलिए घाट पर का दिखाते हैं आप सभी को। घाट पे ही जा रहे हैं, ये बारी का सीन है, इतना अंधेरा है, सभी चले गए हैं। हम भी जा करके आए थे वहाँ पे, सब कुछ रखवा करके लगा करके कोनिया सब सूप सब जो भी है उसको लगा दिए थे, फिर आए थे तैयार होने। तभी हम जा रहे हैं और यहाँ पे देखिए मेरी मम्मी पानी में है, सुबह सुबह ठंड भी लग रही है। Yeah.
तेल का ढक्कन ठीक से लगा हुआ है? यहाँ पे देखिए सुबह होने वाली है, लेकिन अभी सुबह हुआ नहीं है। और इस पर्व में छठी माँ के साथ साथ सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है, जैसे डूबते हुए सूर्य को और उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान और छठ माता दोनों का इसमें पूजा होता है। और इस पर्व का बहुत ज़्यादा मान्यता है, आप दिल से जो भी मांगे वो ज़रूर पूरा होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अभी सारे मोमबत्ती दिया जल रहे हैं। रात का सीन तो और ज़्यादा अच्छा था, तो सुबह होने लगी थोड़ा थोड़ा रोशनी फैल गया है, लेकिन अभी जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक अर्घ नहीं दिया जाएगा। सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाता है। ये मेरा बेटा बदमाशी करने में है कि मैं भी पटाखा फोड़ूंगा, पटाखा फोड़ना है। तो देखिए सूर्योदय हो गया है, मतलब सूर्य भगवान दिख गए हैं, तो अब उनको अर्घ दिया जा रहा है। तो जितने भी सूप दौरा जो भी कलश है सारे पे अर्घ दिया जाता है, और जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं और जो भी जिसको भी मन हो सब अर्घ देंगे और सब सूरज भगवान से आशीर्वाद लेंगे। तो भगवान करे, सूरज भगवान करे कि आप लोग का भी सारा मनोकामना पूर्ण हो। तभी यहाँ पे मम्मी कलश लेकर के अब जा रही हैं अंदर, जो व्रत करती हैं ना वही लेकर के कलश को अंदर जाएंगी घर तक, और सभी आशीर्वाद ले रहे हैं क्योंकि माँ पूजा की है, तो इस टाइम आशीर्वाद लेना अच्छा होता है, तो इसलिए सभी प्रणाम कर रहे हैं। हम लोग भी किए, सब किए, माँ से जितने भी छोटे थे और जो दूसरे कोई भी हैं जिसको भी इच्छा हो तो अपना आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पे हम सब कुछ देख रहे हैं, क्या छोटा और बच्चा सबको भी। और यहाँ पे देखिए प्रिंसी का फिर से डांस शुरू है, और उसके साथ साथ मेरा बच्चा भी कर रहा है, मतलब बेटा भी। अभी कितना अच्छा लग रहा है इसका डांस, मतलब इसको गाना बजने का देर है, गाना बजे कि इसका डांस होगा। जब रोती है ना रोते टाइम भी उसको अगर गाना सुनाई दे दिया तो ये। तो यहाँ पे अब खाना बन रहा है, क्योंकि माँ के लिए चावल बना था, चावल और सब्जी। माँ का तो 3 दिन का उपवास था, तो माँ तो चावल खाएंगी, लेकिन और इधर के लिए पूरी बनेगा, पूरी खीर सब्जी, और ये मिक्स सब्जी बनेंगे जो भी बैंगन कद्दू मूली सारे कुछ पड़ते हैं सब, मतलब कोनिया में सूप में, तो उसी की सब्जी आज एक मिक्स सब्जी भी बनती है। और यहाँ पे दाल भुना रहा है, तो देखिए पूरी छनाता जा रहा है, और यहाँ पे सब खा रहे हैं। तो मेरे हस्बैंड खा रहे हैं यहाँ पे, और दोनों बच्चे, और इधर मामा आए थे, दोनों मामा आए थे और पापा हैं, ये दोनों मामा हैं मेरे दोनों तरफ से, और बीच में मेरे पापा हैं। तो इस पर्व में सब आए थे और आते भी हैं सब बार, हर बार अच्छा लगता है। और यहाँ पे पूरी छना रहा है, भाभी बेलती जा रही है, छानती भी जा रही है, और यहाँ पे बगल में भाभी खाना लगा रही है। तो देखिए आज का यही खाना है, पूरी खीर सब्जी, दो तरह के सब्जी है और सलाद, आज का यही खाना है। चलिए आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।